हाय फ्रेंड्स, मैं वीके चित्रांगन आपका आपके ही चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि ड्राइंग का पेपर कैसा आता है, ड्राइंग का पेपर कैसा आता है। आप सभी लोग इसके लिए तैयार होंगे और जानने के लिए उत्सुक होंगे कि हमारा ड्राइंग का पेपर कैसा आता है। तो यहाँ पर हमने जो हमारा पेपर है उसका एक बायोडाटा बना लिया है। ये पेपर 2020 जो का जो पेपर हुआ था उस पर आधारित है, ठीक है। और इस पेपर को हम आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट सिखाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पेपर के सबसे फ्रंट पेज पर आपको एक दो स्थान मिलेंगे जहां पर आपको अपना नाम और अनुक्रमांक लिखना होगा, जिससे कि आप पेपर चेंज ना कर सकें, एक दूसरे से बदल ना सकें, ठीक है। फिर आगे बात आती है समय की। तो पेपर जो हमारा होता है उसका समय हमको 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है, का समय हमको मिल जाता है। सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि इसका हम किस प्रकार से यूज करें कि हमारा पेपर अच्छी तरीके से बन सके, ठीक है। मेन पॉइंट हमारा यही है, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर हमारा चित्र जो है कंप्लीट हो जाए। मेन जो फिगर है हमको मेन कॉन्सेंट्रेट अपने समय पर देना है। अगर हम इस समय में कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो हमारा पेपर अच्छा होता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो मायने ये नहीं रखता है कि हमारा कितना लंबा वीडियो होता है, मायने ये होता है कि हम पूर्ण कितना अच्छे तरीके से आपको समझा सकते हैं, और अगर समझाया जाएगा तो समय तो लगेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। तो समय हमको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, और 3 घंटे हमको मिलता है, ठीक है, 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए मिलता है, 15 मिनट का समय हमको पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि ड्राइंग का पेपर आपको ढंग से समझकर पढ़कर, ठीक है, और फिर जो है करना स्टार्ट करें तो काफ़ी बेटर रहता है। फिर इसके बाद हम आता है पेपर में हमारा एक स्थान आएगा निर्देश, जहां पर कुछ हमको निर्देश दिए जाते हैं कि इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको कार्य करना है। तो उन निर्देश को आप पढ़ लेना और उसके आधार पर आपको काम करना होगा, जिसमें से कुछ निर्देश हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहला निर्देश ये होगा कि आप जो है आपको 15 मिनट इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप ढंग से पेपर को पढ़ें। फिर अगला निर्देश होगा कि अपना काम जो है स्वच्छतापूर्वक करें। फिर अगला जो निर्देश आपका होगा, ठीक है, उसमें ये बताया जाता है कि आप खंड का, यहाँ पर देख रहे होंगे, खंड का ख ग, 3 खंडों में हमारा पेपर बटा हुआ होगा, ठीक है, 3 खंडों में हमारा पेपर होता है, का ख ग, ठीक है। तो इन खंडों में, ठीक है, का खंड अनिवार्य होगा, ठीक है, और ख और ग में से हमने बीच में अथवा लिखा है, तो ख और ग में से हमको सिर्फ एक खंड करना है, या हम खा करेंगे या गा करेंगे। यदि खा करेंगे तो गा नहीं करेंगे, गा करेंगे तो खा नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से उसमें आपको निर्देश दिए जाते हैं और उन निर्देश को आपको पढ़ना अनिवार्य है। फिर आगे हम आते हैं हमारे काखंड पर, ठीक है। पेपर हमारा मेन है काखंड, उसको हम देख लेते हैं। तो काखंड पे जब हम आएंगे, ठीक है, तो उसमें हमको ये बताया जाएगा काखंड में, ठीक है, कि काखंड एक ऊपर चीज लिखी होती है कि ये अनिवार्य है, इसको करना अनिवार्य है, यानी कि करना ही है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले एक आलेखन मिलता है, ठीक है, उसके बाद आपको प्राकृतिक दृश्य मिलता है, ठीक है। और आलेखन प्राकृतिक दृश्य ये दोनों अथवा में होते हैं। यदि आप आलेखन बना रहे हैं तो प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाना है, ठीक है, और अगर आप प्राकृतिक दृश्य बना रहे हैं तो आलेखन नहीं बनाना है। समझ में आया कि नहीं? फिर आगे देखते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अगर आप इन दोनों को नहीं करना चाहते हैं, ना करने की कोई स्थिति नहीं, क्योंकि आप आलेखन ही बनाना, क्योंकि आलेखन में नंबर अच्छे मिल जाते हैं। फिर इसके बाद अथवा में आपको, यानी कि काखंड में ही अथवा में आपको 5 प्रश्न मिलते हैं, 5 प्रश्नोत्तर होते हैं, जिसमें
पांच क्वेश्चन होते हैं और उन पांच क्वेश्चनों में से आपको तीन क्वेश्चन करने होते हैं। तीन क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का अंक जो होता है एक का 15 नंबर होता है, 15 × 3 = 45 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन के आंसर सही सही दे देते हैं तो आपको 45 नंबर मिल जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं तो आपको आलेखन या प्राकृतिक दृश्य में से कोई भी एक चीज करनी होगी। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आप आलेखन बना दीजिएगा, आलेखन में आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया आलेखन होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है, मौलिकता होती है, रेखाओं का लयात्मक रेखाएं होनी चाहिए जैसे कि अभी हम बताएंगे आगे चल करके, ठीक है। और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपकी क्लियर समझ में आ जाएगा। और जैसे कि प्राकृतिक दृश्य, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है, ठीक है, और छायांकन देखना पड़ता है, बहुत कुछ इसमें देखना पड़ता है, तो इसमें आपके नंबर ज़्यादा कटते हैं। अगर इसके बारे में आपको क्लियर जानकारी है तभी आप प्राकृतिक दृश्य बनाएं, अन्यथा प्राकृतिक दृश्य को ना बनाएं, ठीक है। अगर और आलेखन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों पर हम अभी अलग चर्चा करेंगे, पहले हम आपको पेपर समझा रहे हैं, पेपर समझ लीजिए। फिर इसके बाद का और खा, जैसे कि आपने का खंड कर लिया, इसके बाद बात आती है खा और गा, ठीक है। तो खा और गा में, ठीक है, आपको एक ऑप्शन करना है। खा खंड में आपका स्मृत चित्रण होता है, और स्मृत चित्रण के साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ये 12.5-12 नंबर के होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके 12.5-12 नंबर के होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। जैसे 12.5-12 नंबर के दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो इसमें दो ऑप्शन दिए होते हैं, दोनों में आपको स्मृति चित्रण के चित्र बनाने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपसे चार ऑप्शन देगा और चार ऑप्शन कहेगा बैट बॉल बनाइए, हॉकी बॉल बनाइए, और जो है मेज बनाइए या बक्सा बना दीजिए, मेज और बक्सा बनाइए, छाता और बक्सा बनाइए, ऐसे आपको चार ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक ऑप्शन करना होगा, वो भी आपका 12.5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 12.5 नंबर का होगा, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से बनाते हैं और शेडिंग अच्छी तरीके से करते हैं तो आपके एक भी नंबर कोई काट नहीं पाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रत्येक वीडियोज की लिंक दूंगा, ठीक है, आप उन लिंक को देख करके लिंक के आधार पर जो है सीख भी सकते हैं। और एक ही वीडियो, यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितना अधिक हो सके इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। फिर दूसरे ऑप्शन में आपको देगा, जैसे कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है, फिर इसमें चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक में कह देगा पत्तियों सहित मूली बनाइए, और अगला ऑप्शन में आपको बताएगा कि जैसे कि पत्तियों सहित अमरूद बना दीजिए, ऐसे चार ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से आपको एक ही करना है, वो भी आपका 12.5 नंबर का होगा। ये दोनों को मिला करके आपके 25 नंबर हो जाएंगे, और 25 और 45 आपका मिल करके 70 नंबर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 नंबर का। तो इस प्रकार से हमारा ये पेपर आता है। और गा खंड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन देता है बहुविकल्पी, ठीक है। उन बहुविकल्पी क्वेश्चनों को आपको करना होगा, अगर आप उनके राइट आंसर देंगे तभी आपको सही अंक मिलेंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो एक गा खंड करने का कोई अर्थ नहीं बनता है हमारे हिसाब से। अगर हम कहें तो आप एक आलेखन बना दीजिएगा जो कि आपका 45 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कैसे बनाना है, ये आगे हम बता रहे हैं, कैसे पूरे अंक मिलेंगे ये भी हम आगे अभी बताएंगे। और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये दो आपके स्मृत चित्रण हो जाएंगे, इनको बना करके अच्छी तरीके से सेट कर देना, ठीक है, ये आपके 25 नंबर के हो जाएंगे, जिससे आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। 25 और 45 मिलकर के आपका 70 नंबर का पेपर हो जाएगा। अगर आप हमारे हिसाब से नीचे वीडियो की दी गई लिंक को देख करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो क्लियर है आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। 70 में 70 मार्क्स दिलाने का मैं पूरा वादा करता हूं, लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। आगे देखिए, ये तो हमारा पेपर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आलेखन और प्राकृतिक दृश्य
और तुम्हारा जो स्मृत चित्रण है इसमें किन चीजों का हम ध्यान रखें जिससे जो है अच्छे अंक हमको मिले, अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है, कोई उसमें कटौती ना कर पाए। तो इस पे हम चर्चा हम देखते हैं कि हम आलेखन को कैसे बनाएं जो उसमें एक भी नंबर कोई काट ना पाए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम आलेखन बनाएं, ठीक है, तो आलेखन जैसे कि हमने यहाँ पर एक सेब बनाया है, आप देख सकते हैं, इसे आप लोग आयत कहते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो जानते होंगे, ठीक है, इसको आयत कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले वहां पर जो शेप आपको देगा कि इस शेप के अंदर आपको आलेखन बनाना है। अगर वहां पर 15x20 cm आयत दिया गया है तो सबसे पहला काम आपको 15 cm चौड़ाई और 20 cm लंबाई रखनी है अपने आयत की। अगर इसको आप कम ज्यादा करते हैं तो वो नंबर काट लेगा। समझ में आया? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपका शेप जितना हो उतना ही आप बनाएं, ठीक है। जैसे कि आपसे 8 cm त्रिज्या का वृत्त पूछ ले तो आपको 8 cm त्रिज्या का ही वृत्त बनाना है, ना आपको कम बनाना है ना आपको ज्यादा बनाना है। अगर आप इसमें कोई भी दिक्कत करते हैं तो आपके नंबर काट लिए जा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब तो यहां पर शेप की बात हुई। अगर आपका शेप जो है आकार, ठीक है, आकार आपका जो क्लियर है, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है, इसमें कहेगा कि सुंदर, जैसे कहे कमल के पुष्प के साथ, ऐसे आएगा किसी भारतीय पुष्प के साथ, ठीक है, एक हंस को समाहित करें और उसकी फूल पत्तियों इत्यादि के सहित साथ जो है वर्क को पूरा करें, ठीक है। नीचे कुछ आपको निर्देश दिए होते हैं कि लयात्मक होनी चाहिए और रंग संगात्मक होने चाहिए, तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आपसे कहता है कि कमल के साथ पुष्प, तो कमल किसी भारतीय पुष्प के साथ आलेखन का निर्माण करें अगर कहता है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आलेखन को बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसको हमने बराबर 4 हिस्सों में बांट लिया, ठीक है। अगर कमल के पुष्प के साथ कहता है और साथ में हंस कहता है तो बीच में यहाँ पर हमने एक छोटा सा हंस बना लिया, ठीक है, या बतख बना ली, ठीक है। इस प्रकार से हम समझा रहे हैं, हमको सिर्फ आज समझाना है। अगर इसको सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख लेना। तो इस प्रकार से आप हंस बना लेना, ठीक है। आप सिंगल भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, दोनों तरीके के वीडियोज हम नीचे लिंक में देंगे, देख लेना। और यहाँ पर फिर क्या करना है आपको, कमल के फूल के लिए बढ़िया अच्छे से शाखाएं वगैरह निकालना है। तो यही होता है लयात्मक होना, यानी कि जो हमने ये शाखाएं बनाई हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको गोल कर देते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से ए पत्तियां बना दी हमने दो, ठीक है, इस प्रकार। तो जो ये आपका बीच का शेप बन रहा है सुराही के जैसा, तो ये आपका बनना चाहिए, ठीक है। और लाइनें आपकी एकदम स्पष्ट सीधी होनी चाहिए, तभी आपको वो अच्छे अंक देगा। जैसे कि इधर अगर हमने यहां से निकाला तो इतनी ही ऊंचाई से इधर से भी हमको कोई चीज यहां पर बनानी है, जैसे हम ये कमल का फूल बनाया दे रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार। तो ये मतलब एक ऐसा आपको बनाना है कि देखने में काफी खूबसूरत लगे और एट्रैक्टिव जिसे बोलते हैं आप, आकर्षक, वो एग्जामिनर को देखकर ही, एग्जाम जैसे ही देखे उसको देखकर लगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है और वो आपको पूरे नंबर दे। तो ये बात आपको आलेखन में ध्यान रखनी है। इसके बाद बात आती है कलर की, ठीक है। तो रंग आपको ऐसे चुनने हैं, संगत रंग होने चाहिए जो अच्छे लगे। संगत का मतलब ये होता है, अगर आपने बैकग्राउंड डार्क किया है तो आप जो डिजाइन कर रहे हो उसको लाइट करो,
ठीक है। कहने का मतलब यह है, अगर आपने बैकग्राउंड डार्क किया है तो आप डिजाइन को लाइट कीजिए, यानी कि लाइट कलर से कीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे कि इसको हमने आसमानी से कर दिया, ठीक है, या येलो कलर से कर दिया, तो आप इसको ग्रीन और कम से कम, आलेखन में ये भी कहता है कम से कम 3 रंगों का प्रयोग होना चाहिए, कितने 3, ठीक है। आप ज़्यादा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम 3 रंग का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जैसे आपने येलो कर दिया, पीला कर दिया, फिर आप कमल इसके रेड कर दोगे, ठीक है, शाखाएँ ग्रीन कर दोगे, अब यहाँ हंस भी पूछ रहा है तो आपको हंस को तो वाइट करना ही पड़ेगा, अगर आप करेंगे नहीं तो कहाँ काम चलेगा, ठीक है। ऐसे ही इसको आप कर सकते हैं, अगर आपने इसको मान के चाहे आसमानी कर दिया तो यहाँ जो आप शाखाओं का कलर दे रहे हैं थोड़ा सा लाइट रखिए, उसमें लाइट करने के लिए आप हल्का सा येलो कलर मिला दीजिए ग्रीन में, जिससे कि आपका धानी कलर बन जाएगा, जिसे सुआपंखी भी आप कहते हो, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं फूलों की, तो फूलों में हल्का रेड में आप व्हाइट मिला दीजिए, व्हाइट में रेड मिला दीजिए, ठीक है, व्हाइट कलर ज़्यादा ले लीजिए और हल्का उसमें रेड मिला करके पिंक कलर बना लो, पिंक से कर दो, लाइट हो गया आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे ही आपको अगर व्रत में पूछे तो सेम यही स्थितियाँ रहेंगी। और इसके बाद की बात है जो आप आउटलाइन करते हो, ठीक है, आपकी आउटलाइन स्पष्ट होनी चाहिए, और अगर आपकी आउटलाइन स्पष्ट नहीं है, ठीक है, तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? दूसरी बात, अगर आउटलाइन की बात आई है तो यहाँ पर आलेखन के साथ होने वाली आपके साथ मटेरियल भी होने आवश्यक हैं। जब तक आपके पास अच्छे मटेरियल नहीं होंगे तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मटेरियल के लिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, मटेरियल में क्या होना चाहिए देख लीजिए। सबसे पहले अगर आप आलेखन बना रहे हैं तो आलेखन के लिए आपको, ठीक है, क्या आलेखन के लिए आपके पास पोस्टर कलर होने चाहिए, ठीक है। पहली बात, कैमल कलर जो कैमल के आते हैं, कैमल ब्रांड होता है, ठीक है, और उसके वाटर कलर आपके पास होने चाहिए, ठीक है, उन्हीं से आप इनको रंगें। दूसरी बबात, आपके पास ब्रश कम से कम 4 होने चाहिए, एक 0 नंबर आउटलाइन करने के लिए और एक 2 नंबर जो आपको बताएंगे हम, वो उससे कुछ बड़े स्थानों को फिल करने के लिए, और एक आपसे 4 से 5 नंबर का ब्रश होना चाहिए वो बड़े स्थानों को फिल करने के लिए। तो आपके पास 4-5 ब्रश होने चाहिए, आप उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी लें, उनको टच करके देख लें, ठीक है, अगर उनके जो सॉफ्ट, जितना सॉफ्ट होगा, जितना मुलायम होगा, उतना ही अच्छे ब्रश होते हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम, कलर हो गए, ब्रश हो गए, और आलेखन कैसे बनाना है ये भी आपको बता दिया। अब हम प्राकृतिक दृश्य की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात वही है हमारी कि जितना शेप आपको दिया गया हो हम उतनी ही शेप का प्रयोग करें, ठीक है। अगर हम शेप छोटा बड़ा करते हैं तो उसके नंबर वो पहले ही काट लेता है, आकार के भी नंबर हमको मिलते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य में देखा जाता है पर्सपेक्टिव हमारा, ठीक है, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश आकर मिलते हैं, अगर वो चीज़ हम नहीं दिखाते हैं तो उसके नंबर कट जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक छोटा सा बना रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, सेम इसी पर, जैसे कि हमने पहाड़ बना दिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक सूरज बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से एक सूरज बना दिया, आप इसको और भी अच्छा बना सकते हो, यहाँ पर एक हमने नदी बना दी, ठीक है, इस प्रकार से ये नदी बना दी हमने यहाँ पर, और नदी बनाने के बाद हमको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ घर बना दिए, झोपड़ी वगैरह बना दी, ठीक है, ये हमने यहाँ पर झोपड़ी बना दी, ठीक है, झोपड़ी के पास कुछ पौधे बना दिए खजूर के, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर कुछ हम नज़दीक में पेड़ बनाएंगे, तो नज़दीक, देखो इसमें पर्सपेक्टिव देखा जाता है, दूरी के हिसाब से वस्तुएं छोटी बनेंगी, और जितना हम नज़दीक बनाएंगे उतनी वस्तुएं ये छोटी बनती हैं, बड़ी बनती हैं, सॉरी, ठीक है, इसके लिए हमें खेद है। और जितना भी हम नज़दीक चीज़ों को बनाएंगे तो वो जो है बड़ी बनती है, ठीक है, जैसे कि ये पेड़ हमने बनाया तो ये नज़दीक में है, ठीक है, तो ये बड़ा बना दिया हमने,
ठीक है, पहाड़ों से भी ऊंचा गया है, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, तो ये वाला पेड़ बहुत छोटा बना है इसकी अपेक्षा, जबकि ये पेड़ इससे ऊंचे होते हैं। आप लोग जानते हो खजूर के पेड़ काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसमें दिखाना है, मतलब आपका चित्र जो है वो 3D लगना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें पानी भरती हुई महिलाएं या कुछ भी पानी लाती हुई महिलाएं, प्रेस्पेक्टिव के हिसाब से अगर आप दूर दिखाएंगे तो छोटे दिखेंगे, अगर नज़दीक बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़े दिखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों की आपको ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर आप महिला पानी लाते हुए महिला बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वो महिला जो है बड़ी बनेगी, ठीक है, यहाँ पर बड़ी बनेगी। अगर वही चीज़ यहीं पर आप दिखा रहे हो फिगर, तो ये छोटा सा फिगर बनेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख करके आप प्राकृतिक दृश्य बनाएंगे, जैसे कि नज़दीक पक्षी बना रहे हैं बड़े बनेंगे, छोटे दूर बना रहे हैं छोटे बनेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बनाएं, ठीक है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे और अच्छे नंबर वहां पर आपको मिलेंगे। इसके बाद आती है कलर भरने की बात, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि कैसे कलर किया जाता है और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो प्राकृतिक दृश्य की बात हो गई, अब हम बात करते हैं आपके स्मृति चित्रण की, ठीक है, तो उसको देख लीजिए आप। स्मृति चित्रण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्मृति चित्रण में आप कोई भी अगर चित्र बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पत्तियों सहित यहाँ हमको आम बनाना है, क्या बनाना है, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे चित्र वहाँ आ सकते हैं। और आप ऐसे ही चित्रों को जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उस प्रकार से अगर बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट नंबर मिलेंगे। जैसे कि हम एक यहाँ पर आम का जोड़ा बना रहे हैं, जैसे हमने आम बना दिया, ठीक है। देखो कोई भी गोल वस्तु हो उसको गोले के माध्यम से बनाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया, ये हमारा एक आम बन गया, मैंगो बन गया, ठीक है, ए यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर भी हमने एक मैंगो बना दिया, डबल आम का जोड़ा हो गया हमारा ये, ठीक है। पत्तियों के साथ कहता है तो यहाँ पर आप पत्ती भी बना लें, ठीक है, एक छोटी सी इस प्रकार से ये पत्तियाँ बन गई इसमें, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसकी आउटलाइन करें तो ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी ना हो, एकदम फ्रेश, ठीक है, एकदम फ्रेश होनी चाहिए। इसके लिए आपको ये करना है कि सबसे पहले आप लाइट हल्का हल्का बना कर देख लें, आपको लगे कि हाँ बन गया है, ठीक है, तब उसको क्लियर करें, समझ में आया कि नहीं। फिर इसकी शेडिंग जब करोगे तो शेडिंग इसकी लाइट एंड डार्क देख करके करिए, कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है, ठीक है, कहाँ पर लाइट्स पड़ेगी कहाँ से प्रकाश पड़ेगा, इन चीज़ों को देख कर जब आप इसकी शेडिंग करोगे तब ये काफ़ी बेस्ट बनेगा, समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार से अब इसमें इस प्रकार से आप जब शेडिंग करोगे तो काफी अच्छी होगी, ठीक है। इसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देखना, वहां से आपको काफी समझ में आएगा, ठीक है। कम से कम आप रात में बैठ करके मेहनत कीजिए और वीडियो देखने के बाद जितनी अधिक हो सके प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छे अंक ला सकेंगे 28 तारीख में। तो इस प्रकार से कुछ हमारा पेपर आता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जिसको मैंने बताया आपको, अगर आपको आप लोग इस पे हमें फॉलो करेंगे देखेंगे, ठीक है, तो क्लियर है, आपकी समझ में आएगा और आप अच्छे अंक लाएंगे इस बार। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, और नीचे ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करें और जितना अधिक हो सके इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।